बसमिल्ल हिरिम अलैक्म स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव आर सम रूल रिलेटेड टू योर चैप्टर टू चैप्टर टू में कुछ प्रूव्स हैं स्टार्टिंग में हम टू पॉइंट थ्री की बात करें डेरिवेटिव से रिलेटेड जिसमें पार रूल है कोशन रूल है प्रोडिक्स रूल है और डेरिवेटिव ऑफ सम और डेट फंक्शन डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में ये प्रूव मैं करवाने जा रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स की तरह से रिक्वेस्ट थी कि सर ये प्रूव भी करवा दें आल दो के मैंने आपको बताया था या जो हमने 2.12 में मेथड लगाया था बाय डेफिनेशन एबीनिशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं बट ये कि फिर भी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर इसको करवा दें सो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो यहाँ से हम क्या कहते हैं स्टार्ट कर रहे हैं और पहला प्रूफ जो हम करने जा रहे हैं ये है पारूल याद है पारूल हमने 2.3 बहुत तफसीली इसमें आ, किया है अब यहाँ पर पारूल क्या था कि पार को नीचे उतारते थे, थे पार में से एक माइनस करते थे अच्छा यहाँ पे पहली कंडीशन जो हम फर्स्ट केस करेंगे वो ये है वेन एन इज़ अ पॉजिटिव एंटीरियर जब यह पार पॉजिटिव होगी तब हम इसके लिए क्या करेंगे और नेगेटिव होगी तब क्या करेंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हमने 2.1 में भी एक क्वेश्चन किया था याद है आ, x पार एम के लिए था और एक वन और एक्स पार एम के लिए था तो ये एक्चुअली ये वही चीज़ है जो वहाँ पे की थी वहाँ पे m था यहाँ पे n है ठीक है सो वही स्टेप मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो जिन लोगों ने 2.1 देखी हो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा अगेन आप फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें बाई डेफिनेशन कह लें या ये एबी नेशो मैथड हम इस प्रूफ को उसी तरीके से लेके चलते हैं तो याद है जी फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता था स्टेप वन क्या था लेट वाई एक्स पार एन सॉरी इंक्रीमेंट या एडिशन कि अगर y है तो हम क्या कहते थे डेल्टा y अगर x है तो हम क्या लिखते थे डेल्टा x याद आ रहा है तो पहला स्टेप इंक्रीमेंट आ गया दूसरा स्टेप क्या होता था सप्टेक्शन सो सब्टन फ्रॉम टू टू को आप ऊपर लिखें वन को आप नीचे लिखें और इन दोनों को क्या कर देंगे सपटेक्ट कर देंगे सो दिस इज योर इक्वेशन टू दिस इज योर इक्वेशन वन यू जस्ट हैव टू सपटेक्ट देम एंड आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है वाई आपके पास कैंसिल हो रहा है सो वी हैव डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन आपको याद होगा टू पॉइंट वन में अगर पावर पॉजिटिव है तो हम बाइनोमियल का फार्मूला जो यूज़ कर रहे थे वो ए प्लस बी पार एन ही यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे पॉजिटिव होल नंबर है उसने कहा था एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर तो हम उस ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं अब है एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी सो so, एन यहाँ पे पॉजिटिव है और फार्मूला याद है बाइनोमियल टू पॉइंट वन में हमने किया था पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए प्लस बी की पार एन एन सी जीरो ए पार इन दोनों का डिफरेंस है और बी पार ये नीचे वाला नंबर होता है इसी तरह एन सीज वन है तो ए पार इन दोनों का डिफरेंस और बी जो होगा ये नीचे वाले की पार होगी एंड जो है एन सीज एन तक जाएंगे ये फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे ए की जगह पे बेटा एक्स है और बी की जगह पे डेल्टा एक्स है तो फार्मूला अप्लाई कर लें एन सी ज़ीरो ए पार एन माइनस जीरो एन आ जाएगा और बी पार जीरो आ जाएगा फिर एन सीज वन है तो क्या आ जाएगा ए पार ए मीन एक्स पार क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन ये पार में आ जाएगा और बी की जगह पे डेल्टा एक्स है तो ये नीचे वाला बी की पार सिमिलरली एन सीज़ टू करेंगे तो एन माइनस टू और नीचे वाले इसकी पार और एंड जाके कहाँ पे हो रहा है एन सीज एन पे हो रहे हैं और ये तो क्या बाइनोमल ओपन किया है और ये नेगेटिव एक्स पार एन एज इट इज़ देखें इस स्टेप तक कोई मसला अब आपको याद होगा कि इक्वेटर पे हमने किया था एन सी जीरो फॉर एक्जाम्पल फाइव सी जीरो आप निकाल के देखें सिक्स सी जीरो कोई भी नंबर है उसके नीचे ये जीरो आ रहा है तो ये वन के इक्वल है अगेन टू पॉइंट वन में कैलकुलेटर में आपको निकाल के भी दिखाया था एक तो ये वन हो जाता है एक ये भी वन होगा एन सी एन जो सेम नंबर होता है मीन सिक्स सी सिक्स सेवन सी सिक्स आपको याद होगा एक्स की पार एम वाला हमने पार्ट किया था टू पॉइंट वन में एक्चुअली ये वही हो रहा है एन की जगह पर सिर्फ एम में ठीक है जी तो देखें इसकी जगह पे भी वन आ जाएगा एन सी इज वन ये एन होगा और बाकी आपके पास ये भी वन ये फिक्टोरियल का फार्मूला ओपन किया है जी एन सी इज़ वन तो एन होता है एन सी इज टू याद है सेवन चैप्टर हमने किया था फिक्टोरियल का फार्मूला कम्बिनेशन के लिए क्या होता था एन इन टू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल और एन सी एन की जगह भी वन आ जाएगा यहां तक देख लें कोई कन्फ्यूजन आप कुछ ये कैंसिल करते होते थे क्या और ये कैंसिल ये एक्स पार एन जो है ये एक्स पार एन से कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट वाला कैंसिल हो रहा है और हमारा मेन एम क्या होता है कि यह डेल्टा एक्स कॉमन निकालना होता है हमने स्टेप टू में से तो राइट हैंड साइड में आप डेल्टा एक्स कॉमन निकाल सकते हैं रेड कलर मैंने शो किया है इसकी जगह पे वन आ जाएगा ये स्क्वायर डेल्टा एक्स है तो एक डेल्टा एक्स रह जाएगा और ये एन पावर है जब एक डेल्टा एक्स कॉमन निकाला है तो एन माइनस वन रह जाएगा देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं ओके okay. है और जैसे ही बेटा हमारा डेल्टा एक्स कॉमन आ जाता है तो हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं और थर्ड स्टेप आपका क्या होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना ये स्टेप मैंने रिपीट किया है लास्ट वाला दोबारा लिखा है आपको दोबारा लिखने की ऑफिस वाद ज़रूरत नहीं है सो डिवीजन हम क्या करते थे डेल्टा एक्स से कर देते थे तो पर्पल कलर मैंने यूज़ किया जी नीचे जो डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया एक्चुअली ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स पर्पल वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास जो भी बच रहा है जैसे ही हम डेल्टाक्स कैंसिल कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं उसके बाद हम फोर्थ स्टेप की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं एंड आर फो स्टेप क्या था याद है किसी को फोर्थ स्टेप हमारा था अप्लाइंग्लाइंग लिमिट सो लिमिट ऑन बोथ साइड दोनों साइड पर बेटा आप क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये तो आ जाएगा डी वाई बायस यहां पर राइट साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स है वो जीरो हो जाएगा एक तो ये वाला जीरो हो जाएगा ये सेकंड टर्म पूरी जीरो कर देगा ये वाला जीरो हो जाएगा सेकंड टर्म जीरो कर देगा तो आपके पास क्या आ रहा है जी फर्स्ट टर्म में डेल्टेक्स है ही नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा सो योर फाइनल आंसर इज देय एन एक्स पार एन माइनस वन यर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर की बात हो रही है ले ली ये है आपका प्रूफ अगर हम बात करें वेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो अगर आप ऑनेस्टली देखें तो ये वही काम है जो हमने एक्स पार एम वाले पार्ट में किया था टू पॉइंट वन में तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था यार सेम ही आप इसको खुद अटैम्प्ट करो <coughs> सॉरी बस कु, कुछ स्टूडेंट ने कहा जी इसको कर दें सो मैंने इसको भी कर दी है अच्छा इसके दो केस डिस्कस किए हुए हैं कि जब एन इज़ अ पॉजिटिव एंटीजर हो और फिर वो ये कह रहा है कि वैन एन इज़ अ नेगेटिव एंटीजर है इसी का सेकंड केस को भी अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यू हैव टू प्रूव दैट अगेन यही आपके पास होगा पावर रूल की बात कर रहे हैं एट दिस टाइम एन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर खैर स्टेप वही है जी एन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि आप एन की जगह पे माइनस एम रख दें एम क्या चीज़ है एम कोई भी नंबर हो सकता है वन टू थ्री हमें नहीं पता नेगेटिव इंटीजर कौन सा है हमने एक जनरल स्पोर्स कर लिया नंबर यार ये माइनस एम है एम वन होगा तो ये नेगेटिव वन है एम टू है तो ये नेगेटिव टू है एम थ्री है तो ये नेगेटिव थ्री है तो हमने क्या सपोज कर लिया है कि एन की जगह पे वो कह रहा है जी माइनस एम रख लो क्योंकि उसने नेगेटिव वाली कंडीशन दी है सो आप क्या करेंगे एक्स की एन की जगह पे ये जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना चाह रहे हैं वहाँ पे माइनस एम रिप्लेस कर देंगे सो स्टेप वन आपके पास क्या होता है एडिशन वाई है तो डेल्टा वाई अच्छा इसको ज़रा डिनोमिनेटर में ले जो एक्स पार एम मैं नीचे जाके क्या हो जाएगा वन और एक्सपार एम तो आपको एक्चुअली मैं ये करना क्या चाह रहा हूँ ये आपका टू पॉइंट वन का जो एक्स पार एम से अगला क्वेश्चन था आ, वन ओवर एक्स पार एम तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया तो ये दोनों पार्ट हमने साइड बाई साइड किए थे अगर आपको याद हो तो याद आ रहा है तो इसलिए मैं बिल्कुल इस एक दूसरे के साथ वही पैटर्न पे लेके चाह रहा हूँ ताकि जिनका 2.1 के वो वाले क्वेश्चन वो पार्ट ये पार्ट थे हम अभी निकालें अलेवन और 12 ये 12 पार्ट है जी अलेवन पार्ट में था होल पार पॉजिटिव एम थी और ये वन ओवर करके जो था वो ट्वेल्व है तो अलेवन और ट्वेल्व पार्ट ये दोनों प्रूव हैं खैर बिल्कुल सारे वही स्टेप करूंगा सिर्फ एन की जगह पे एम आ गया स्टेप टू क्या था जी सब्टेक्टिंग इक्वेशन वन फॉर्म टू टू को आप ऊपर लिखें वन को आप नीचे लिखें एंड दस सबटेक्ट नैम सो सब्टेक्ट करेंगे वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा सो वी हैव दिस याद है इसके बाद क्या किया था हमने बिल्कुल एल सी एम लेना है इसका ये स्टेप जरा बाद में एनिमेशन थी इसको ये वाला स्टेप वन ओवर करके लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा ताकि इक्वेजन वन भी तो पता चले ना खैर इनका एलसीएम ले लो जी एलसीएम में आ जाएगा दिस क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स पार एम इन वन और एक्स प्लस डेल्टा एक्स पार एम इंटू वन यहां तक पहले देखे नहीं कोई कन्फ्यूजन ठीक है जी इसमें थोड़ा सा जरा इसको क्या किया को सेपरेट लिख दिया याद है वहां पर भी मैंने यही काम किया था अब ये जो मैरून वाला क्या चीज है ये वही स्टेप है ये वही है जो अभी हम पिछले पार्ट में कह रहे थे मैरून वाला ये सारा हमने सॉल्व किया है वेन एन एज अ पॉजिटिव इंटीजर उसमें हमने ये सॉल्व कर दिया है इसलिए अभी मैरून वाले को वही स्टेप सारा फार्मूला भी वही लग रहा है ईच एंड एवरीथिंग वही है आप इसको उस तरीके से अभी लेके चल रहे हैं तो चेक करते हैं थी ए प्लस बी पार एन एन सी जीरो जो अभी हम काम कर रहे थे ये वही बायनोमल का फार्मूला लगा है अब ए की जगह पे बेटा उसी तरह एक्स है और बी की जगह पे डेल्टा एक्स एम सी जीरो एक्स पार एम माइनस जीरो डेल्टा एक्स जीरो फिर एम सी वन एक्स पार एम माइनस वन डेल्टा एक्स वन फिर एम सी टू एक्स पार इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और नीचे वाला डेल्टा एक्स की पार आ गई एंड लास्टली वी हैव एम सी एम एक्स पार एम माइनस एम डेल्टा एक्स एम और ये लास्ट वाला माइनस एक्स एम इट इज आ गया अब वही काम एम सी जीरो मीन सिक्स सी जीरो फाइव सी जीरो अगर जनरल करें तो ये भी वन आ जाएगा ये भी वन आ जाएगा इसको एज इट एजट रहने दें और ये भी वन आ रहा है अब बेटा मोस्ट uh, सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो रही है मीन एक्स पावर एम और नेगेटिव एक्स पावर एम कैंसिल हो रहा है और हम अपने मेन एम uh, की तरफ जा रहे हैं विच एज यू जस्ट हैव टू टेक डेल्टा एक्स कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम डेल्टा एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो ये डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया हर एक में से तो ये भी ख़त्म हो जाएगा ये वन आ जाएगा स्क्वायर है तो ये पार वन हो जाएगी एम है तो एम माइनस वन अब इसको आप क्या करेंगे इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं तो पुट एक फोर इन थ्री थ्री याद आ क्या थी ये मैंने ब्लू येलो वन में दोबारा आपको लिख के दी है आपने दोबारा नहीं लिखनी खैर ये मैरून वाला सिर्फ इसका पोर्शन पुट कर देते हैं जो हमने निकाला है तो ये आ गया आपके पास आफ्टर टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन अब आप बेटा क्या कर सकते हैं जैसे ही डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो हम स्टेप फोर की तरफ क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं वच इज़ जस्ट टू डिवाइड इट बाय डेल्टा एक्स सो so, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें कलर मैंने ग्रीन कर दिया ताकि वो कैंसिलेशन समझने में आसानी हो जाए एंड आर लैस लास्ट स्टेप इज जस्ट टू अप्लाइंग लिमिट और लिमिट आपके पास क्या थी बेटा डेल्टा टेंस टू जीरो सो दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर लेंगी लिमिट डेल्टा टेंस टू ज़ीरो जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो आ जाएगा राइट साइड पे ये भी जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये तो पूरी पूरी टर्म जीरो हो गई है और आपके पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ बची है अब आपको याद हो वहाँ पर भी हमने ये किया था एक्स को ज़रा एक जगह ले आएंगे ये ऊपर एम माइनस वन है ये प्लस एम ऊपर जाकर निगेटिव हो जाएगा या प्लस एम ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा एम MM एम से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास ये आ रहा है अगर आप फोकस करें तो हमारा ये आंसर आ चुका है यानी कि हमने रखा था एन इज इगट टू माइनस एम याद है अब बैक सब कर लें जहाँ जहाँ माइनस एम है वहाँ पे एन रख लें तो आपका ये वही पार्ट आ गया है मीन वही पावर रूल था जो हमने प्रूव करना था देखें जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो बेटा ये अलेवन और ट्वेल्व पार्ट ही एक्चुअली ये प्रूव है तो जिनको वो आता है उनके लिए ये पार्ट ईजी होगा ये प्रूफ सॉरी ईजी होगा सो जिन स्टूडेंट ने मुझे कहा था जी अलहमदिल्ला मैंने कर दिया है होपुली आपके लिए ईजी होगा आगे हम जो चलते हैं जी आ, और प्रूफ की तरफ जा रहे हैं और प्रूव आगे क्या आ रहा है जी ये है डवेटिव ऑफ अ सम ऑफ फंक्शन के जब डवेटिव आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन नहीं है दो से ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकता है कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका डिवेटिव के लिए फार्मूला क्या है डवेटिव ऑफ एफ ऑफ फैक्स प्लस जी ऑफ फैक्स क्या होगा डावेटिव सेपरेट कर लेंगे जैसे आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन भी होती है एफ ओफ एक्स पे अलहदा डवेटिव अप्लाई हो जाएगा और जी ओ फैक्स पे अलहदा डावेटिव अप्लाई हो जाएगा अच्छा इसको भी हम अप्रूव करते हैं ये सम के लिए सेम हम डिफरेंस के लिए भी करेंगे और ये दो फंक्शन के लिए आपका नोट भी उसने लिखा है दो से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है एफ डी एच जितने भी फंक्शन आप एक्सटेंड कर सकते हैं प्लस के लिए खैर बुक में सिर्फ इतना ही है अच्छा हम एफ ओफ एक्स जी ओ फैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हमने इसका नाम फाइ रख लिया इन दोनों फंक्शन का जो एडिशन है वो फाइ ऑफ एक्स है आप कोई और नाम भी रख सकते हैं जी रख सकते हैं कोई भी आप इसको कह सकते हैं खैर मैंने फाइ ऑफ एक्स कह दिया इसको स्टेप वही है बेटा चार स्टेप वही है कोई नया काम हम नहीं करने जा रहे हैं स्टेप वन आपके पास क्या था एडिशन अगर एक्स है तो डेल्टा एक्स है इधर भी एक्सी यहाँ पे डेल्टा एक्स इधर भी एक्सी जहाँ पे डेल्टा यहाँ पे वाई नहीं यूज़ कर रहे हम फाई ऑफ एक्स कर रहे हैं आप वाई बी कह सकते हैं वो भी मसला नहीं है खैर ये बुक वाले ने ज़रा किया था मैंने वही फॉर्म लेके गया हूँ स्टेप टू क्या था स्टेप टू था इक्वेशन वन फॉर्म टू टू को आप ऊपर लिखें वन को आप नीचे लिखें एंड यू जस्ट हैव टू सब्टेक्ट देम सब्टेक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा जो प्लस वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा सो दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस ये तीन पेयर आपके पास बन गए ये फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर दोनों तीनों के दरमियान नेगेटिव का साइन आ गया देखिएगा यहाँ तक कन्फ्यूजन ईजी है बहुत ईजी काम है अगर आपकी टू पॉइंट वन टू की हुई है तो ये बच्चों वाला प्रूव आ रहे हैं खैर जैसे ही हमारे पास ये आ रहा है अब हम अगले स्टेप की तरफ जा सके जा सकते हैं ये आपके पास आ चुका था जी अब हम क्या कर रहे हैं स्टेप थ्री स्टेप थ्री क्या होता था डेल्टा एक्स से डिवाइड करना सो लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स से कर दिया राइट right साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है अब आप क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और लिमिट आपके पास क्या थी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड सो लिमिट हम कर रहे हैं जी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड पर हम ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें हर एक के साथ मैंने लिमिट लिख दिया यहां तक देखें कोई मुश्किल बात अच्छा जी लेफ़्ट साइड पे तो आपको पता है डवेटिव ऑफ चुके फंक्शन हमारे पास था फाइव एक्स तो ये वही चीज़ है राइट right साइड पे ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा याद है ये या हमने पेज नंबर फोर्टी थ्री पर डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन है ये डी फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स ये फाइव फंक्शन है तो ऑफ एक्स तो सिंपल फॉर्म हमने लिख दी है डेवेटिव की और बेटा और इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे तो फाइव एक्स एक्चुअली क्या सपोज किया था हमने ऑफ एफ़ोफैक्स प्लस ऑफ फैक्स का नाम रखा था तो ये आपके पास इसका प्रूफ आ जाएगा या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को आपको पता है हम डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव या डैश एफ ओफ डैश एंड ऑफ फैक्स ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो ये था डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ अ फंक्शन सम ऑफ फंक्शन इसी तरह डिफरेंस ऑफ फंक्शन भी तो यही हो जाएगा ना ये क्या था सम ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं और आगे हम क्या करेंगे डिफरेंस ऑफ फंक्शन सेम पैटर्न पे हम सारी चीजें लेके चलेंगे सिर्फ साइन चेंज करना है तो मैंने जल्दी से किए थे अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो तो काइंडली kind गाइड of कर दीजिएगा ये एफ प्लस जी था अब एफ माइनस सी के लिए करेंगे सेम फार्मूला क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ओफेक्स नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ जी ओफेक्स सबसे पहले हम उसी तरह नाम फाइव फो वही स्टेप में वहाँ पे प्लस का साइन था तो ये में नेगेटिव आ गया सो स्टेप वन क्या था हमारे पास एडिशन एक्स है तो डेल्टा एक्स आ जाएगा एडिशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूसरा स्टेप आपके पास क्या था सब्टेक्शन सो इक्वेशन वन फ्रॉम टू वन को आप टू uh, को ऊपर लिखें वन को नीचे लिखें एंड यू जस्ट हैव टू सब्टेक्ट देम। सो इनको आप क्या कर देंगे सब्टेक्ट कर देंगे सो so, आप सब वही तीनों पेयर आपके पहले जो आ रहे थे वही यहाँ पे भी आ रहे हैं देखिएगा यहाँ तक कन्फ्यूज़न सिर्फ ये यह है कि यहाँ पे प्लस की जगह पे नेगेटिव का साइन आ गया और ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब चलते हैं जैसे ये आ रहा है तो अब आप डेल्टा एक्स से मीन थर्ड स्टेप की तरफ अपना मूव कर सकते हैं सो हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं और थर्ड स्टेप क्या था जस्ट टू डिवाइड इट बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड और जैसे ही डेल्टा एक्स से मीन थर्ड स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं अब अपने फोर्थ स्टेप की तरफ जा सकते हैं और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो सो so, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें देखें सेम काम आ रहा है सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस आया जो अभी हमने किया है और बाय डेफिनेशन ये क्या आ जाएगा डवेटिव फाइव एक्स एफ ओफ एक्स एंड जी ओ फैक्स और फाइव ओफ एक्स हमने क्या बोला था एक्चुअली एफ ओफ एक्स माइनस जी ओ फैक्स या फर्स्ट डिव है तो डैश की फॉर्म में लिख रहे हैं ले जी आप देखें उन्हीं पैटर्न पर वही स्टेप्स हैं जो हमने प्लस के लिए किया था सब्टेक्शन या डिफरेंस के लिए भी यही रूल यूज़ होगा देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं ओके okay जी अगर ये ओके okay है तो अब हम मूव कह रहे हैं जी अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ और नेक्स्ट प्रूफ बड़ा फेमस है जो हमने टू पॉइंट थ्री से आगे ऑनवर्ड ये सारा यूज़ किया है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था इफ़ एफ एंड जी आर टू डिफेंशियबल एट एक्स देन एफ जी आर ऑल्सो डिफेंशियबल एट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी एफ एंड टू जी एक्स क्या आ जाएगा इसमें आपको याद है मैंने आपको ज़रा डिफरेंट फॉर्म में किया था ये बुक वाली फॉर्म लिखी है उसने क्या किया है? पहले फर्स्ट फंक्शन का डबेटिव लिया है सेकेंड फंक्शन एज इज फिर फर्स्ट फंक्शन एज इज और सेकेंड का डेबेटिव मैंने ज़रा और फॉर्म में जरा फॉर्म लिखवाया वो आपका टू पॉइंट थ्री में आप थ्योरी में देख सकते हैं लेकिन चूंकि बुक में ऐसे किया हुआ है सो इसको मैं उसी तरीके से लेके चल सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस का साइन मसला नहीं होगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको आगे पीछे शफल आप कर सकते हैं मैं इस पोर्शन को ज़रा पहले लिखता हूँ इसको बाद में वो पहले इसको लिख रहा है फिर इसको बाद में लिख रहा है तो हम क्या कह रहे हैं जी स्टार्ट करते हैं उसी तरह हमने फायर याद हमने पीछे भी फायर नाम रखा था तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे, पे ही ये सारे प्रूव लेके चल रहा है सो फाइव ऑफ एक्स जाएगा ये एफ ऑफ एक्स एन टू जी ऑफ एक्स सो स्टेप वन आपके पास क्या थी स्टेप वन आपके पास है एडिशन अगर एक्स है तो डेल्टा एक्स इधर भी ऐड कर देंगे एक्स है तो डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे एक्स है तो डेल्टा एक्स कर देंगे सो स्टेप वन तो ये आ गया स्टेप टू क्या है जी ओके okay जी सबटेक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू टू को आप ऊपर लिखेंगे वन को आप नीचे लिखेंगे और सबटेक्ट करेंगे और जैसे सबटेक्ट करेंगे जो प्लस का साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा दस वो उसी तरह पेयर अगर आपको याद हो दस माइनस दस और दस माइनस दस तो ये यह यहाँ तक आ रहा है या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं फिलहाल यहाँ तक देखें ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है आफ्टर सपटेक्शन की बात करें और जैसे ही ये आ गया है अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपने बस याद रखनी है तो प्रोडक्ट रूल में भी और क्वेश्चन रूल में भी हमने इधर एफ़ ओ फैक्स और जी ओ फैक्स प्लस डेल्टाक्स एड करना है और मैथ का रूल है जो चीज़ आप ऐड करते हैं उसको सब्टैक्ट भी करते हैं मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी है होपफुली आपके लिए आसानी होगी तो क्या की है इसमें एफ ओ फैक्स जी ओ फैक्स प्लस डेल्टा एक्स एड किया है और ये एफ ओ फैक्स जी ओ फैक्स प्लस डेल्टा सबटेक्ट भी किया है ये क्यों किया है ये भी आपको बता देता हूँ एक्चुअली हमने डेरिवेटिव का फार्मूला बनाना है उसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ा है अब हम क्या करेंगे एक आपके पास ये दो टर्म्स आ रही हैं और एक पेयर ये आ रहा है इनमें से कॉमन देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा जरा चेक करें जी तो वो आ रहा है जीओ एक्स प्लस डेल्टा किस में से ये फर्स्ट वन में से मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है तो ये जी ओफ एक्स प्लस डेल्टा जी ओफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये एज एट इज और नेगेटिव एफ ओफ एक्स सिमिलरली सेकेंड टू में से एफ ओफ एक्स मैंने कॉमन निकाला एफ ओफ एक्स कॉमन आ गया ये एज एट इज ये एफ ओफेक्स बाहर चला गया तो ये आ गया तो मैंने कोशिश की है बॉक्स बना के आपको समझाने की यहां तक देखिएगा कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जैसे बेटा ये आ जाएगा अब हम स्टेप थ्री की तरफ जाएंगे बस इसमें आपने ये याद रखना है कि ऐड और सबटेक्ट क्या करना है दैट्स इट ऐड करेंगे तो ऑफिस बाद वो सबटेक्ट भी हो जाएगा सो थर्ड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं यू जस्ट हैव टू डिडेड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स एक ये टर्म है कि ये इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया इसमें इससे कर दिया देखिएगा कोई कन्फ्यूजन ओके okay. अब आप फोर स्टेप की तरफ जा सकते हैं एंड फोर स्टेप इज अप्लाइंग लिमिट विच इज डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो तो आर एक के साथ डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो अब लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा डावेटिव ऑफ दिस तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये फिर वही डेफिनेशन हमारे पास बन चुकी है तो एक तो लिमिट पहले ज़रा सेपरेट करके लिखी इन दोनों पर अलग अलहदा कर दी यानी कि चारों पर अलहदा अलग लिमिट होगी तो अब बेटा लेफ्ट साइड पे ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले प्रू में कह रहे थे ये फाइव फैक्स आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है इधर देखें ये डेल्टा एक्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा डेल्टा एक्स एनस टू जीरो ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सिंपल जी ऑफ फैक्स बना ये आपके पास एफ ऑफ फेक्स है ये और ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस तो एक्चुअली यही नहीं प्रूव करना था आपने फाइव ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू <coughs> लिख लीजिएगा एफ ओ फैक्स इन टू जी ऑफ एक्स एंड दैट्स इट देखिएगा कोई कन्फ्यूजन तो मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ ऐड और सब्जेक्ट वाली याद रखिएगा सेम काम हम क्वेश्चन रूल में भी करने जा रहे हैं सेम है सिंपल है बट आपसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा इसको नीट ज़रूर कीजिएगा सो डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन रूल तो है कि एफ एंड डी आर डिफेंशियबल फंक्शन दैन एफ ऑफ डी आल्सो डिफेंशियबल ये है जी डिफेंशियबल फंक्शन मैंने बड़ी तफसीली आपको बताया कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डेवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये वाली फॉर्म मैंने वही लिखी है जो बुक में है बट आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे टू पॉइंट थ्री में तो वहाँ पे मैंने सिंपल दो तीन और डिफरेंट फॉर्म लिखी हुई हैं याद रखने के लिए आप उसको जरूर देखिएगा चलें जी स्टार्ट करते हैं सबसे काम पहला वही है जी फाइव ऑफ एक्स कह रही है जी ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ फैक्स स्टेप वन क्या था जी बिल्कुल एडिशन है तो एक्स है तो डेल्टा एक्स है तो एक्स है तो डेल्टा एक्स है सो स्टेप टू आपके पास क्या है इक्वेशन वन फॉर्म टू वन को आप क्या रखेंगे टू uh, को आप ऊपर लिखेंगे वन को आप नीचे लिखेंगे और इन दोनों को सबटेक्ट कर देंगे सो so, जैसे ही हम सबटेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास ये आ रहा है यहां तक देखिए गया कोई कन्फ्यूजन ओके जी तो जैसे ही सबटेक्ट हो रहा है तो अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है तो आगे देखते हैं जी इसको कैसे लेके चलना है ओके जी यहाँ तक हमारे पास आ चुका था अब अगला स्टेप इसमें क्या कर रहे हैं कि आपने एलसीएम ले लेना है एलसीएम ले, ले लेंगे तो एफ़ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बाद एक काम करना है आपने और वो काम क्या है याद है जिसना वहाँ पे ऐड और सबेड किया था यहाँ पे भी ये और यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल एफ ओ फैक्स जी करेंगे और सपटैड भी करेंगे बस ये वाला पॉइंट उसमें भी वहाँ पे भी याद रखना है और यहाँ पे भी तो हमने क्या किया है ये एफ ओ फैक्स जी ओ फैक्स एड भी कर दिया ऐड मैंने एंड पे किया है और सबटैग शुरू में किया है एक्चुअली इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे आंसर वही आ जाएगा अब इसका फ़ायदा क्या हुआ जैसे ये आ गया हमारे पास ज़रा इसको फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख लें बाकी हमने एज एजेट इज़ लिख दी देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बहुत इजी है मैं फिर कह रहा हूँ एक एक स्टेप से रोजेल में रखना क्या ऐड और सप्रेड करना है और बाकी काम वही है जो हम करते जा रहे हैं सो जैसे ही बेटा ये हो गया है अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं और अगला स्टेप आपके पास क्या था जी आपके पास यहाँ तक आ चुका था ये रिपीट कर रहा हूँ स्टेप ताकि समझने में आसानी हो नेक्स्ट स्टेप क्या था जी स्टेप कॉमन निकालना याद हमने वहाँ पे भी कॉमन निकाला था ये फर्स्ट टू है इस ये सेकंड टू टर्प है इस पेयर में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है यहाँ पे वो निकाल रहा है जी ऑफ एक्स और इस पेयर में से उसने क्या कॉमन देखेंगे इस पेयर में से जी ऑफ एक्स कॉमन निकाला है इस पेयर में से क्या कॉमन निकाल रहा है वो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल रहा है जिसने हमने प्रोडक्ट रूल में भी निकाला था ओके जी जैसे ही ये कॉमन आ जाएगा अब हम स्टेप थ्री की तरफ मूव कर सकते हैं विच इज़ टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स से बेटा आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब ये वही काम नहीं हो गया जो अभी प्रोटेक्ट टूल में भी कर रहे थे <coughs> उससे मिलता जुलता है सो so बेटा इसको आगे लेके चलते हैं तो जैसे ही बेटा आपके पास ये आ गया अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं मीन यू जस्ट हैव टू अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड हर एक पे लिमिट अलहदा आप सेपरेट कर देंगे अप्लाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बल्कि थ्री ए है और टू ए हर एक पे अलह अलग कर लें जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो तो हो जाएगा जीरो और ये डेफिनेशन पर्पल वन डेरिवेटिव ऑफ ऑफ एक्स और ये मरून वन डेरिवेटिव ऑफ ऑफ एक्स बाकी जहाँ पे ये एक्स फैक्स एजट इज एफ ओ फैक्स एज इज़ अगर आप गौर करें तो आपका ये क्वेश्चन रूल प्रूव हो चुका है तो यही हमने करना था जी थी। ठीक है जी तो ये था जी आपके पास आ, आ, रूल्स प्रूफ्स थे जो आपने रिक्वेस्ट की थी मैंने कोशिश की आउट ऑफ द वे इनको करवा दिया है कर लीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एक दफ़ा मैं कहता होता तो हूँ साल में आपने इसको नीट करना फिर आपके लिए आसानी होगी चलें जी अभी तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी ओके अल्लाह हाफिज़